हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है मैं अवनीश बताइए आप सभी कैसे हैं एक बार गुड इवनिंग टू ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बहुत दिनों बाद आज की क्लास हो रही है यूट्यूब पे अब हम जो आज से स्टार्ट करेंगे वो पहले जो आपके एग्जाम हो चुके हैं उनके एग्जाम के बारे में बात करेंगे जो हो चुके हैं जैसे कि आपका एस एस जेई का जो एग्ज़ाम हो चुका है एस एस का जो एग्ज़ाम हो चुका है उनकी जो शिफ्ट थी उसका थर्टी शिफ्ट का जो पेपर है उस उसमें मैं काम करूँगा थर्टी शिफ्ट का जो थर्टी का जो फर्स्ट शिफ्ट था उस उसमें मैं आपके क्वेश्चंस को लेके आऊंगा ठीक है तो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है यहां पर बारिश पड़ रही है बार कोई बात नहीं जितना हो सकेगा उससे हम करेंगे तो मैं सीधा क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको बिना किसी देरी के चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया जो बताइए क्या आंसर होगा इसका क्वेश्चन में आपसे बोला गया फाइंड द डेल्टा ऑफ अ क्रॉप वे द ड्यूटीज नाइनटी नाइन हंड्रेड हेक्टेयर क्यूमिक एंड द फील्ड द बेस्ट पीरियड ऑफ द क्रॉप डेज मतलब क्वेश्चन अधूरा दे दिया इन्होंने क्वेश्चन कुछ और था पहले क्वेश्चन में गलती बताओ जी अब बताओ क्या बोले बस देखता हूं पहले क्या क्वेश्चन था ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन में गलती कर दी उन्होंने क्रॉप इज हंड्रेड डेज ये आपका हंड्रेड डेज दिया हुआ है दिस इज हंड्रेड डेज तो सिंपल सा क्वेश्चन था खैर ये तो बस के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज करनी पड़ती थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यूज करना पड़ता दिस इज डी इंटू डेल्टा इक्व टू एट पॉइंट सिक्स फोर इंटू बेस पीरियड ठीक है यहाँ पे आपको ड्यूटी दिया हुआ है दिस इज नाइन हंड्रेड हेक्टेयर पर क्यूमिक डेल्टा आपसे पूछा गया है एट पॉइंट सिक्स फोर आपको लगाना है बेस पीरियड आपको दिया हुआ है हंड्रेड डेज तो यदि आप यहां से डेल्टा कैलकुलेट करेंगे दिस इज इक्वल टू एट पॉइंट सिक्स फोर इंटू हंड्रेड Divided by 900, ये से कट जाएगा और ये ये। यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे दो 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 ये दिस क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका नाइन्टी सिक्स सेंटीमीटर हो जाएगा तो सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते नेक्स्ट में करिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया जवाब देंगे देखो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है हाँ सारे क्वेश्चन वही करवा रहा करवाओ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं एस सी में जो आए हुए हैं वही सब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा दो तीन दिन में सारे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा ठीक है चलो विच द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द आयरन इज ऑबटेन फ्रॉम आफ्टर द स्मेटिंग ऑफ ए कैल्सिनेट और इन द ब्लास्ट फर्नेस देखो यदि मैं ब्लास्ट फर्नेस से स्मेल्टिंग करता हूं तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम पिग आयरन बोलते हैं दिस इज पिग आयरन अब पिग आयरन क्या होता है पिग आयरन एक आपका ओर होता है दिस इज ओर इसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम आपका जो कच्चा कच्चा लोहा होता है वही आपका पिगारन होता है ये इसके अंदर जो ब्रिटलनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है ये बात भी ध्यान रखेंगे और हाई कार्बन का फ्यूल होता है दिस इज हाई कार्बन फ्यूल हाई कार्बन फ्यूल रहेगा ये और दूसरा इसके अंदर जो परसेंटेज होती है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज द कार्बन कंटेंट अच्छा तो देखो जब हम बात करेंगे आपके कार्बन कंटेंट की कि व्हाट इज द कार्बन कंटेंट इन द इन दिस पिग आयरन तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 3.5 से 3.5 से 4.5 परसेंटेज के बराबर होती है आपके पिग आयरन में तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पिग आयरन एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन या तो ये स्मैल्टिंग से बनेगा ब्लास्ट फर्नेस का जो स्मैल्टिंग होती है उससे बनेगा या दूसरा इन द केस ऑफ ब्लास्ट फर्नेस यहाँ से भी बन सकता है सर पेपर का लेवल ठीक था हम कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले लिए इस एग्जाम में हाँ वही बात है एग्जाम ज्यादा हार्ड नहीं था पर यही है कि कुछ चीजें हो जाती हैं जो एग्जाम में हमारा जो दिन नहीं होता ना तो उस दिन हम नहीं कर पाते अच्छे से चलते नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन ने देखेंगे एंड एक्सप्रेशन इज टू बी मेड इन द सैचुरटेड सॉफ्ट के फाइव के लो को जीरो दे रखी है विद द वर्टिकल साइड वर्ट विल बी द मैक्सिमम अनसपोर्टेड डैप ऑफ द वर्टिकल कट सिंपल सा क्वेश्चन ये देखो आपको क्या पता ही है कि जब आपका पोर वाटर प्रेशर जब हम आपके प्रेशर एक्टिवल प्रेशर की वालू जीरो मानते हैं दैन दिस इज द ग्राफ तो ये क्या होता है ये आपका माइनस के टू सी रूट के ए होता है और ये आपका जेड क्रेटिक जेड हाइट रहेगी और ये भी आपकी जेड हाइट रहेगी तो इसके लिए हम जो जेड क्रिटिकल निकालते हैं टू टाइम्स ऑफ जेड होता है और ये आपका क्या हो जाएगा इट इज़ फोर सी गामा रूट के तो ये आपसे पूछा गया है जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि टेंशन क्रैक की लेंथ क्या होगी क्या होगी जब भी आपसे पूछा जाए कि जो टेंशन क्रैक है उसकी लेंथ क्या रहेगी तो आपको लगाना है टू सी बाई गामा रूट के टू सी गामा रूट के आपकी क्या होती है टेंशन क्रैक की लेंथ होती है ये वाली यदि पूछा जाए आपसे अनसपोर्टेड लेंथ क्या रहेगी तो आप बोलोगे कि जो आपका अनसपोर्टेड लेंथ है क्या है अनसपोर्टेड लेंथ है वो आपकी ये रहती है फोर सी गामा रूट के तो इसमें वैल्यू पुट करो सी की वैल्यू क्या दे रखी है सी आपको दे रखा है कोहेजन दिस इज थर्टी गामा की वैल्यू पंद्रह दे रखी है और के आपका के क्या होता है के आपका होता है वन माइनस के साइन फाइव अपॉन वन प्लस के साइन फाइव जब फाइव की वैल्यू जीरो है क्वेश्चन में तो के की वैल्यू वन हो जाएगी यदि ये वन हो जाएगी तो उसके अंदर वोट कर दीजिए ये से दो बार कट जाएगा एंड आंसर इज एट मीटर आंसर इज एट मीटर तो यहां से आपके मैंने दो क्वेश्चन कर दिए धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत प्रसाद जी चलिए तो आंसर क्या है आंसर आपका एट मीटर हो जाएगा दिस इज सी एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे करिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब देंगे बोला गया आपसे फॉलोइंग इंक्रीज द कैबिलिटी द कॉन्क्रीट इनमें से कौन सा आपका आ, िटी ऑफ कॉन्क्रेट को इंक्रीज करता है इंक्रीज द एग्रीगेट सीमेंट रेशो इंक्रीज द एग्रीगेट साइज विदाउट एनी चेंज द मिक्स ऑफ द कॉन्क्रीट डिक्रीज द वाटर सीमेंट यूजिंग द एंगुलर एग्रीगेट इंस्टेंट ऑफ राउंडेड एग्रीगेट देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ सर आपके नंबर पर कॉल रिसीव नहीं हो रहा है चलो मैं बोलता हूँ देखो जिसको कोई भी आपको दिक्कत हो ना तो मेरा जो इंस्टा आइडिया वो याद रखो आप वहीं पे भी आप आप मुझसे बात कर सकते हैं अवनीश शर्मा जीरो नाइन चाहे आपका कोई फोन उठा रहा ना उठा रहा हो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी शर्मा जीरो नाइन पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं यहाँ पे चीजों को देख लूंगा भाई क्या क्या है ठीक है कभी भी आपका कोई फोन ना उठा रहा हो कोई बात ना कर रहा हो तो आप इसे मैसेज कर सकते हैं चलिए अब आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे देखो इंक्रीज द एग्रीगेट सीमेंट रे देखो यदि आपका एग्रीगेट सीमेंट रेशो बढ़ेगा तो आपकी जो वर्कैबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी वर्कैबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी ये बात ध्यान रखेंगे दूसरा ये है कि डिक्रीज द वाटर सीमेंट रे यदि आपने वाटर सीमेंट रे आपका डायलिवेशन होता है वर्कैबिलिटी के यदि आपका वर्कैबिलिटी बढ़ाना है तो आपको वर्टर सीमेंट एशो को बढ़ाना ही पड़ेगा तो ये भी आपका गलत है दूसरा हम बात करेंगे कि यूजिंग द एंगुलर एग्रीट आपको पता है कि जितना एग्रीगेट का साइज आपका बड़ा होगा उतना आपकी जो वर्केबिलिटी है वो अच्छी होती है यदि आपने राउंडेड एग्रीगेट यूज किया तो राउंडेड एग्रीगेट के अंदर क्या होता है कि जो सीमेंट आपका सीमेंट का जो पेस इसके अंदर लुब्रिकेट होगा चारों तरफ वो कम होगा ये कम होगा तो आपकी जो वर्केबिलिटी है वो बढ़ जाएगी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी तो राउंडेड एग्रीगेट राउंडेड एग्रीगेट के अंदर वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एंगुलर एग्रीगेट तो ये ऑप्शन भी गलत है तो बचाइए तो यही आपका तरीका होता है जब भी हम वर्कैबिलिटी को बढ़ाने की बात करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं कि एग्रीगेट का जो साइज है उसको बढ़ा देते हैं उससे क्या होगा लुब्रिकेशन ज़्यादा होगा और साथ में आपका जो एग्रीगेट रहेगा उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी ये जो स्ट्रेंथ को आप बढ़ाना है तो एंगुलर एग्रीगेट यूज़ करेंगे लेकिन वर्केबिलिटी के लिए आपको क्यूबिकल एग्रीगेट यूज़ करना पड़ेगा तो डी आंसर नहीं होगा इसका आंसर होगा बी एंड ब इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और क्लास में मैंने कई बार करवा भी रखा है ठीक है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो देखो आएंगे आप सोच रहे हो कि आप वही क्वेश्चन छप जाएगा ऐसा ऐसा कभी होता नहीं है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है जो जवाब देंगे बोला गया आपसे द बैक साइड रीडिंग टेकन बाय लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट एट स्टेशन ए ए बेंचमार्क आरएल इज इतना ज टू पॉइंट थ्री फाइव एंड द फोर साइड रीडिंग एट देशन इज मेजर्ड एज पॉइंट एट थ्री वट विल द रिड्यूस लेवल ऑफ अ स्टेशन ए क्या आंसर होगा इसका देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये यदि आप इसका डायग्राम रिक्वेस्ट करोगे तो डायग्राम आपसे नहीं बन पाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको बस एक चीज समझनी है कि आपको पहले एक पॉइंट का आर एल दे रखा है ठीक है यदि आप उसके अंदर फोर साइड बैक साइड रीडिंग को एड कर देंगे दैट इज कन्वर्टे टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और यदि आपको दूसरे पॉइंट का आर एल को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आप फोर साइड रीडिंग को माइनस कर दोगे ये तो करना होता है आपको तो यदि आपको ये करना है तो यदि किसी पॉइंट का आपको अलग कैलकुलेट करना है तो आप ऐसा करेंगे तो पहले आपको वैल्यू कितनी दिन रखी है दिस इज टू हंड्रेड प्लस 2.325 और आपका फोर साइड क्या है 1.835 यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे दैट इज कन्वर्ट इक्वल टू टू मीटर ये आपका वैल्यू रहने वाली है वैल्यू ठीक है सदा दूर रहो गम की परछाई से सपना ना हो कभी तनहाई से हर अनुमान हर ख्वाब पूरा हो आपका यही दुआ है दिल की गहराई से वाह 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 वा, वा। चलिए मतलब कतई जहर हो रहे हो आज आजकल तो आप चलो आंसर है आपका बी एंड बी इज के आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बी आपका करेक्ट आंसर है इन दिस केस ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन आ गया जवाब देंगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ द सीमेंट बैग रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग प्रिपेरिंग वैट कॉन्क्रीट टेन मीटर क्यूब बाय वॉल्यूम इज वन रेशो थ्री रेशो सिक्स प्रपोशन कंसिडर ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट आपको दिया हुआ है इतना मीटर क्यूब पर क्यूबिक मीटर ऑफ वेट कॉन्क्रीट ठीक है तो आपको क्या निकालना है आपको नंबर ऑफ सीमेंट बैग को प्रिपेयर करना है यदि आपको इतना कितना है आपके पास टेन मीटर क्यूब का सीमेंट कॉन्क्रीट बनाना है वेट कॉन्क्रीट है ये आपका और रेशो ये, ये है यदि मैं आपसे पूछू कि वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेट सीमेंट वॉल्यूम ऑफ वेट सीमेंट की मैं बात करूंगा तो दिस इज इक्वल टू वो क्या रहेगा या मैं सब बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट कितना रहेगा तो आप बोलोगे 1.4 1.54 टाइम्स इनटू 10 10 तो आपका है ही साथ में यदि मैं इसका प्रपोशन की बात करूंगा तो ये क्या होते हैं ये आपके होते हैं सीमेंट ये आपके होते हैं फाइन एग्रीगेट ये आपके होते हैं कोर्स एग्रीगेट ठीक है तो ये आपका हो जाएगा वन बाई टेन तो एक्चुअली आपका क्या आ गया वन पॉइंट फाइव फोर मीटर क्यूब आ गया अब आपको पता है कि वन बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है बैग सीमेंट का जो वह आपका थर्टी फाइव एम एल के बराबर होता है थर्टी फाइव लीटर के बराबर होता है थर्टी फाइव लीटर के बराबर होगा तो यदि आप ऐसा काम करेंगे नंबर ऑफ बैग निकालेंगे नंबर ऑफ बैग तो आप कहोगे वन पॉइंट फाइव फोर डिवाइडेड बाई थर्टी फाइव इन टू टाइप कर दो और यहां से आपका फोर्टी फोर के करीब कुछ आएगा और वही आपके नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट होंगे एस एस सी जे के प्री बैच में सोच सके जो क्लास स्टार्ट हो वो 15th से स्टार्ट होगी होगी वो ऑफ से अभी आपकी जो क्लास रहेंगी वो सोम की चलेंगी ठीक है सोम और हार्डवेल चलेगा ओके तो फोर्टी फोर पॉइंट थ्री करीब आएगा फॉर दिस क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था ये ठीक है बस थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें आपका थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाने पड़ेंगे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये सोचो कि भाई सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप हवा में उड़ा दोगे देखते ही ऐसा नहीं होता है ठीक है इस टाइम किस एग्जाम पर फोकस करें एस एस पे फोकस करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सक्सेना जी क्योंकि तो और सब एग्जाम का पता नहीं है टाइम से होंगे नहीं होंगे पर एस एस का पेपर आपका हो सकता है मार्च में तो होना नहीं है प्री वाला लेकिन अप्रैल मई में हो सकता है चलो वॉट इस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जवाब देना है आप सभी को बोला गया आपसे द कारपेट एरिया ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज जनरली ऑफ प्लिंथ एरिया देखो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने जो आंसर लगाया वो ये लगाया लेकिन जितने भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि जो कारपेट एरिया आपका होता है कारपेट जो मैं एरिया की बात करूंगा दिस इज इक्वल्स टू दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ग्रेटर देन फिफ्टी परसेंट यदि आपका फिफ्टी परसेंट ज़्यादा रहता है तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो फिफ्टी टू सिक्सटी फाइव परसेंट होती है ऑफ द प्लिंथ एरिया ये बात ध्यान रखेंगे ये आपके स्टैंड बुक की वैल्यूज है इनको ध्यान रखना है तो पचास से पैंसठ परसेंट करीब इसकी वैल्यू होती है तो जो आंसर इसका ए लगा है उनका आंसर आंसर गलत होगा और आंसर जिनका डी लगा है उनका आंसर आंसर सही होगा डी इसका फॉर दिस क्वेश्चन एरिया हमेशा पचास परसेंट से ज्यादा ही मांगे चलते हैं ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे नेक्स्ट <laughs> क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब देंगे विच द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फ्लो ऑफ एनी फ्लूड रियल और आइडियल लैमिनार और टर्बुलेंट जब हम आपके मान लो कि मैं कोई भी क्वेश्चन यूज़ कर रहा हूँ चाहे मैं फ्लूड में रियल फलूड आइडियल फलूड लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो जो कौन सी क्वेश्चन है वो हमेशा आपकी सेटिस्फाई होती है वो कौन सी होगी मार्च में क्यों नहीं होगा मार्च में फ्री है मेन्स भी है ना मार्च में उसके अगले दिन पी रखा है उन्होंने ऐसा नहीं होता है तो उससे कुछ चेंजेस रहेंगे उसमें ठीक है तो ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी चलो क्या आंसर है जल्दी बोलेंगे इसका देखो क्या होता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द टर्बुलेंट फ्लो तो ये जो ऑप्शन है ये तो होने वाला नहीं है ठीक है वेलोसिटी एट द बाउंड्री मस्ट बी जीरो टू द बाउंड्री ये भी बात गलत है ठीक है सॉलिड बाउंड्रीज पे जो वेलोसिटी होगी नॉर्मल वो भी आपका जीरो रहेगा देखो क्या होता है बेसिकली चाहे आपका फ्लूड आपका रियल हो चाहे आपका आइडियल हो चाहे आपका लैमिनार हो चाहे टर्बुलेंट हो जो क्वान्टेटी क्वेश्चन है वो हमेशा सेटिस्फाई होती है क्वाटिटिव इक्वेशन हमेशा आपकी सेटिस्फाई होगी ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन जन्सर इसका बहुत सारे स्टूडेंट का जो आंसर लगाया वो बीयास नॉट सेटिस इन द ट्रबुलेंट केसेस ट्रबुलिस में कहा लगा पाते हैं विस्को सिटी वाला कॉन्सप्टो तो आंसर क्या होगा ए होगा एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस शिफ्ट का जो सेफ स्कोर है यदि आप इसके नंबर एक से ऊपर आ रहे हैं इस शिफ्ट में एक से ऊपर नंबर आपके आ रहे हैं मे जनरल कैटेगरी तो आपको मेंस की प्रिपरेशन ढंग से करनी चाहिए चलो वॉट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जवाब देंगे बोला गया आपसे द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द वॉटर कैरिंग पाइप इज द मैक्सिमम वैन इग्नोरिंग द माइनर लॉसेस तो जो आपकी पावर ट्रांसमिट होती है वो मैक्सिमम कब होती है जब आपका जो हेड लॉस है वो हेड लॉस की वैल्यू एच बाई थ्री होती है ये तो आपको पता है ना

क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विच फॉलोइंग वुड डिफेक्ट डेवलपेंट ट्री ग्रोस रैपिडली मान लो आपका जो ट्री है हाँ, क्या बोल रहे हैं गौरव सर एनटीपीसी दिया जाए कि नहीं अरे यार वो तो डिपेंड्स ऑन यू ना कि यदि आपको लगता है कि आपको एनटीपीसी देना चाहिए तो दो फिर यार अच्छे से बोलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का

ये आपका कोर्स साइज रहेगा कोर्स गेन हो जाएंगे तो पहला जो ऑप्शन है वो सही है ठीक है जब कोर्स गेन बढ़ रहा है तो एनुअल रिंग्स का बढ़ना देखो यदि आपका यदि आपका जो ट्री है उसकी एनुअल रिंग्स पास पास है दैट कि वो आपका हार्ड वुड है लेकिन यदि आपका जो रैपिडली ग्रो करेगा तो वुड की जो स्ट्रेंथ वो कम हो जाती है दैट मीन्स कि उसकी जो एनुअल रिंग्स है वो दूर दूर रहेंगी दूर दूर रहेंगी तो सेकंड ऑप्शन भी सही है और लेस स्ट्रेंथ तो होना ही है आंसर आंसर इज ए ए एंड फॉर दिस क्वेश्चन ए आपका करेक्ट आंसर है रैपिडली ग्रोनिंग चाहिए हमें सोम so, हम जो पढ़ाएंगे वो गौरव सर पढ़ाएंगे गौरव सर ठीक है तो आंसर क्या है इसका वन टू थ्री इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट इट इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द वेट कॉन्क्रीट इट इज यूज्ड टू ऑप्टेन द एस्टिमेट ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ फिनिश्ड कॉन्क्रीट एलिमेंट इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बताइए ही आंसर होगा इसका ये क्वेश्चन आपका ई में भी आया हुआ था और ये आप क्वेश्चन आपका कई जगह आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं बात करता हूं आपके डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की या फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब क्या है कि कॉन्क्रीट को बिना तोड़े आपको कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो क्या होता है बेसिकली जब भी हम आपके अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट की बात करते हैं तो ये आपका ड्राई कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करता है ड्राई कॉन्क्रीट की नॉट द वेट कॉन्क्रीट तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है फर्स्ट गलत है तो ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत आंसर हो गया बी ध्यान रखेंगे ये आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है और इसमें आपका जैसे जैसे, जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती है दैट मीन्स वैसे वैसे आपकी जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है वो आपका बढ़ जाता है ठीक है ये बात भी आप ध्यान रखेंगे फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देन आंसर इज तो ये क्या होता है इट इज टू द एस्टिमेट कॉन्क्रीट ऑफ द फिनिश्ड कॉन्क्रीट एलिमेंट ये बात भी सही है देन आंसर इज बी एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जैसे आपका रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है ऐसे आपका अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी होता है और इस दोनों के दोनों ही आपके नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है ये बात भी आप ध्यान रखेंगे चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी आपको करवाया था और ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा यहाँ भी आ गया और बहुत सारे बच्चों ने करा भी है बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया है बोलिए आंसर क्या है इसका ए सिल्ट कंट्रोल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर ऑफ द रिटेनिंग टनल्स प्रोवाइडेड पैलेट टू द एक्सिस ऑफ हेड रेगुलेटर एंड टर्मिनेटिंग नियर यूज टू स्लोज वेयर टू अलाउ द क्लियर वाटर टू फ्लो थ्रो द हेड रेगुलेटर देखो हाइड रेगुलेटर से बिफोर ये क्वेश्चन आपके इरिगेशन के हैं और क्लास में मैंने करवाए थे क्वेश्चन तो जिन्हें बच्चों ने किया होगा उन्होंने कर भी दिया होगा ये देखो आपके पास क्या होती है ये आपके होती है डिवाइड बॉल दिस इज योर डिवाइड बॉल ये आपकी डिवाइड बॉल रहेगी और यहां पर आपका लगा होता है फिश लेडर यहां पे आपका फिश लेडर लगा होता है ठीक है और इसी के करस्पॉन्डिंग यहां पर आपका लगा होता है अंडर स्लूज ये क्या होता है ये आपका अंडर स्लूज होता है अंडर और इससे आगे जाके यहां पे आपका हेड रेगुलेटर लगा होता है क्या लगा होता है हेड रेगुलेटर तो जब हम सिल्ट एक्सक्लूडर की बात करते हैं क्या करते हैं जब भी हम आपके सिल्ट एक्सक्लूडर की बात करते हैं दैट मीनस कि हम यहां की बात कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हम आपके यहाँ की बात कर रहे हैं क्या मतलब होता है इसका इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका पानी आया उसके अंदर बहुत सारे सिल्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं तो ये जो अंडर स्लूज है ये क्या करता है कि जो सिल्ट पार्टिकल्स है उनको यहां से अलग कर लेता है और जो साफ पानी है उसको आगे भेजता है तो जो आपके सिल्ट एक्सक्लूडर है बिफोर, बिफोर समझ में आया आपको तो इसको बोलते हैं जो सिल्ट इजेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं तो ध्यान रखेंगे जो आपका सिल्ट इजेक्टर वाला पार्ट है वो क्या होता है वो तब हम इसको मेजर करते हैं जब आपका हेड रेगुलेटर के कैनाल पे पानी आ चुका है और उसके अंदर बहुत सारे सिल्ट पार्टिकल्स भी है तो क्या करेंगे जो बचा हुआ सिल्ट है उसको हम सिल्ट इजेक्टर से यूज करेंगे तो इट कहां लगाएंगे इसको लगाते हैं आफ्टर आफ्टर हेड रेगुलेटर ये बात ध्यान रखेंगे इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि एक बिफोर द रेगुलेटर एक आपका आफ्टर हेड ऑफ द रेगुलेटर पर लगाया जाता है आंसर क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा इन दिस केस बी एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हाँ सिल्टेट एक्सट्रेक्टर और सिल्ट इजैक्टर दोनों बात एक ही होती है बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब देंगे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लिचेट्स लिचेट क्या होते हैं लिचेट से एक सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं या लिक्विड पार्ट हो सकता है लिचेट क्या हो सकता है एक लिक्विड पार्ट हो सकता है इट इज लिक्विड पार्ट क्या होता है कि जब मान लो मेरे पास है न एक सॉइल है और मान लो कि मेरा ये ये मेरा क्या है ये मेरा ग्राउंड वाटर का टेबल है दिस इज माई ग्राउंड वाटर टेबल और ऊपर मेरे पास यहां पे सोयल है तो क्या होता है कि सोयल में से जो आपके कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं या कुछ केमिकल्स हैं वो बह के नीचे आ जाते हैं वो आपके बह के नीचे आ जाएंगे और वे आपके क्या करते हैं वो आपके ग्राउंड वाटर टेबल को रीच कर जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं उसको आपका पोल्यूटेड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम लिचेट बोलते हैं और दिस इज जनरली अकर इज जनरेटेड द लैंड फिलिंग जब हम लैंड फिलिंग करते हैं जब भी हम लिचट का यूज करते हैं आंसर क्या है ए एंड एस का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे बास में सभी को चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब देंगे द डाइवर्जेंट कॉन एंगल इन द वेंचुरी मीटर इज जनरली कैप्ट लेस देन द कन्वर्जेंट कौन एंगल अभी होगा अभी थोड़ा सा दिक्कत है वहाँ पे नेट का इशू चल रहा है इसलिए नहीं हो पा रही क्लास आपकी होगा होगी जल्दी उनकी भी ठीक है चलो बात करेंगे द डाइवर्जेंट कौन एंगल इन द वेंचरी मीटर इज जनरली कैप्ट लेसर दैन दर्व कन्वर्जेंट कौन एंगल तो जो आपका डाइवर्जेंट कौन एंगल होता है उसको जनरली हम आपके कन्वर्जेंट कौन एंगल से कम रखते हैं ठीक है ये एंगल आपका कम होता है क्योंकि देखो क्या होता है जैसे आपका यहाँ से पानी बाहर निकलेगा जैसे आपके यहाँ से पानी बाहर निकलेगा तो पानी के अंदर ऐसे टर्बुलेंस क्रिएट होते हैं आपके पानी के अंदर ऐसे टर्बुलेंस क्रिएट होते हैं तो ट्रिबुलेंस क्रिएट होगा तो हो सकता है कि इस वाले पॉइंट पे इस वाले पॉइंट पे आपका पानी का सेपरेशन हो जाए सेपरेशन ऑफ वाटर हो जाए तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डाइवर्जेंट का कोन एंगल है उसको हमेशा कम रखते हैं जिससे कि पानी का सेपरेशन ना हो क्योंकि तो पानी एकदम से डाइवर्जेंट होकर एकदम से कन्वर्जेंट होगा ठीक है तो यदि ऐसा हो रहा है तो इन दिस केस हम क्या करेंगे सेपरेशन को डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि आपको पता भी होगा जो हैड लोस होते हैं वो डाइवर्जेंट पे ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कन्वर्जेंट क्योंकि वहां पे सैपरेशन ऑफ लॉसेस ज्यादा होते हैं ठीक है तो यहां पे क्या होगा इट इज ऑफ अवॉयड द सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ फ्लो अब बहुत सारे स्टूडेंट इसका जो आंसर लगाया है वो कैविटेशन लगाया है कि अवॉइड द कैविटेशन कैविटेशन कब होता है कैविटेशन तब होता है जब आपका जो प्रेशर है वो आपका वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए ठीक है डाइवर्जेंट कंडीशन में ऐसा काफी कम होता है कि आपको कैविटेशन देखने को मिले बट बेसिकली जो मेन फ्रोमुना होता है वो आपका सेपरेशंस वाला होता है तो सेपरेशन के लिए हमें आपका डायवर्जेंट एंगल को हमेशा कम रखना पड़ेगा ठीक है तो ये बात ध्यान रखेंगे तो आंसर क्या है इसका आंसर हो जाएगा बी एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे चलिए <coughs> वॉइस और अच्छा दिक, दिक्कत आ रही है क्या वॉइस में एक मिनट रुको कैसे हैं आप सभी अब आ रही है आवाज सभी को नहीं कोई ऑफर नहीं आएगा उसमें ठीक है उसमें कोई ऑफर नहीं आने वाला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया जवाब देंगे विद द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेस्ट ओपन स्लूज आपका नॉन मॉड्यूलर आउटलेट होता है गिप्स मॉड्यूल आपका मॉडुलर आउटलेट होता है और पाइप आपका मॉड्यूलर आउटलेट होता है फेंचुरी फ्लोम आपका सेमी मॉड्यूल आउटलेट होता है देखो क्या होता है डिफरेंट टाइप के आपके आउटलेट देखने को मिलते हैं इसको हम बोलते हैं आपका कि ये मॉड्यूलर है या आपका सेमी मॉड्यूलर है और ये आपका नॉन मॉड्यूलर है ठीक है तो अब जब हम आपकी बात करेंगे हाँ आपका टेस्टिज इंक्लूड है उसमें भी जब हम बात करेंगे आपके मॉड्यूलर में तो जो आपके नॉन मॉड्यूलर होते हैं नॉन मॉड्यूलर की मैं बात करूंगा तो वो आपका होता है ओपन सलूस और सबमर्जेंट वाला सबमर्जेंट वाला भी आपका ये क्या होगा इट इज अ ओपन सलूज और ये आपके नॉन मॉड्यूलर आउटलेट होते हैं गिप्स मॉड्यूल हो गया या फिर आपका खन्ना मॉड्यूल हो गया नाम सुना होगा आपने खन्ना मॉड्यूल्स खन्ना मॉड्यूल्स ये सब क्या होते हैं ये सब आपके मॉड्यूलर आउटलेट में आते हैं वेंचुरी फ्लोम की मैं बात करूंगा ठीक है तो यदि मैं बात करूंगा वेंचुरी फ्लोम्स की बात करूं या आपकी बात करूं फ्री पाइप आउटलेट की बात करता हूं किसकी बात करता हूं फ्री पाइप आउटलेट फ्री पाइप आउटलेट की बात करता हूं दैट मीन्स ये आपका क्या है ये आपका सेमी मॉड्यूल है लेकिन जो आपका ये लिखा हुआ है ड्राउंड पाइप आउटलेट ये आपका मॉड्यूलर आउटलेट नहीं होता ये जो बी वाला दे रखा है थर्ड वाला दे रखा है गलत है देन आंसर इज डी एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बात समय सभी को डिप्लोमा मैथ की क्लास भी लगती है इस चैनल पे नहीं नहीं लगती भाई तो आंसर क्या है इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर क्या हो जाएगा डी एंड डी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ड्राउंड वाला है वो डी थर्ड ऑप्शन है तो डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब देंगे ठीक है क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द आईएस 800 2007 वॉट इज द मैक्सिमम परमिसेबल इफेक्टिव सिलेंडर रेशियो फॉर अ टेंशन मैंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डाइट स्ट्रेस इज अकर ड्यू टू द लोड अदर देन दिंड एंड से ठीक है देखो टेंशन मेंबर में बात चल रही है क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं काफी गलत करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आपको टेंशन मेंबर की बात की जाएगी तो टेंशन मेंबर में ठीक है यदि टेंशन मेंबर में यदि आपका कोई लोड टेंशन मेंबर में आपका लाइव लोड की वजह से लग रहा है दैट इज वन और यदि आपका टेंशन मेंबर में यदि आपका अर्थक्वेक अर्थक्वेक लग रहा है और आपका सेस्मिक लोड लग रहा है तो आपका हो जाएगा 350 ये बात भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है यह बात आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर थ्री फिफ्टी लगाते हैं कुछ स्टूडेंट वन एट लगाते हैं यदि आपका अदर देन दिन एंड सेस्मिक होगा तो वन एट्टी होगा और यदि आपका साथ में होगा तो फिर फिर आपका थ्री फिफ्टी होगा यह बात ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा गलती होती है इसमें तो आंसर क्या है इसका जो गलती कर भी रहे हैं अभी भी तो आंसर क्या है इसका आंसर हो जाएगा सी एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है चलो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है जो आप देंगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एज पर द आई एस एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन वट इज द मैक्सिमम पिच ऑफ द बोल्ट अलाउड टू लैप ज्वाइंट बिटवीन द टू स्टील प्लेट्स क्या होता है आपकी जो टू स्टील प्लेट्स हो हैं उनके अंदर आपको लैप जॉइंट बनाने पड़ते हैं ऐसे आपको लैपिंग करनी पड़ती है तो ये जो आप लैपिंग करते हैं ये कंप्रेशन में और टेंशन में इसकी वैल्यू होती है कंप्रेशन की बात करूंगा तो आंसर होगा ट्वेल्व टी और टू हंड्रेड एमएम ठीक है मैक्सिमम जो पिच रहेगा और यदि मैं बात करूं टेंशन में तो टेंशन में ये जो वैल्यू होती है ये आपकी हो जाती है सिक्सटीन टी और टू हंड्रेड एमएम विच एवर इज लेसर तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा इसमें कंप्रेशन पूछा गया है क्वेश्चन में कंप्रेशन दैट मीन्स बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बी आपका कट आंसर है चलते हैं नेक्स्ट पे करिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि द मिनिमम एवरेज कंप्रेशन द मिनिमम एवरेज कंप्रेशन एव एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमन बर्ड क्ले ब्रिक क्लास 3.5 तो बर्न क्ले का यदि क्लास 3.5 है तो उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहेगी 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ठीक है बर्न क्ले का ये क्या होती है ये आपकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है किसी भी किसी भी ब्रिक का जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 3.5 होता है और यही आपकी बर्ंड क्ले केस में हो सकता है मिनिमम वाला देन आंसर क्या है आंसर हो जाएगा बी एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वो आपका रहता ही है बार का जो जो भी आपका सिनेरियो है वो गरसर बताएंगे आपको अभी उनका थोड़ा नेट का इशू चल रहा है तो एक दो दिन में उनका नेट का इशू दूर हो जाएगा फिर आपकी जो क्लासेस रहेंगे वो बार के बारे में जो भी पूछना है उनसे पूछना ठीक है वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे तो क्या होगा थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विच टाइप ऑफ स्टील मैंबर इन टेंशन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर लेग इफेक्ट वेन कनेक्टेड टू द गजट प्लेट अब ये शेयर लेग इफेक्ट क्या होता है क्या होता है शेयर लेग इफेक्ट देखो आपने दो चीज पढ़ी होंगी आपने एक सुना होगा लग एंगल लग एंगल सुना है आपने और एक आपने सुना होगा शियर लेग इफेक्ट जो शेयर लेग इफेक्ट होता है इसको कम करने के लिए हम लग एंगल को यूज करते हैं बेसिकली क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक गजट प्लेट है मान लो मेरे पास गजट प्लेट ये है और इस पर यह मैंबर ऐसे लगा हुआ है ठीक है अब ये क्या होगा जो मेंबर इससे कनेक्टेड है उस पर जो टेंशन का स्ट्रेनिंग होगा टेंशन की वजह से जो स्ट्रेनिंग होगा उसकी वैल्यू कुछ रहेगी और जो आपका इसका जो आउटर आउटर मोस्ट फाइबर है आउटर वाला है जो इससे कनेक्ट नहीं है उस उसपे क्या होगा उस पर आपका जो स्ट्रेनिंग रहेगा वो अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस का वेरिएशन है वो आपका दोनों में इस वाले मेंबर में इस वाले मेंबर में सेम नहीं जा पाता इसको हम बोलते हैं शियर लैंग इफेक्ट कि आपका जो टेंशन की स्ट्रेनिंग हो पाई हो हुई है वो आपका कनेक्टेड लेग में और आउटर लेग में सेम नहीं हो पाया इसको हम शियर लेग इफेक्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं शियर लेग इफेक्ट जब भी जहां भी आपका एंगल सेक्शन आएगा वहां पर शेयर लेग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो ये जो बी ऑप्शन है और जो आपका डी ऑप्शन है नहीं हो सकता आई सेक्शन के अंदर भी आपको शियर लेग इफेक्ट देखने को मिलता है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता एक बार ध्यान रखेंगे ओनली द रेक्टेंगुलर प्लेट यदि आप यूज कर रहे हैं रेक्टेगल प्लेट के अंदर कोई भी आउटर फाइबर नहीं होता है आउटर लेग नहीं होता है दैट मींस इसके अंदर शेयर इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा ए एंड एस का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ए आपका कट आंसर है ठीक है बात समय सभी को इस पेपर में यदि आपके 110 आ रहे हैं इन द जनरल कैटेगरी तो आप सेफ हैं हां सारे क्वेश्चन कराऊंगा सारे सारे करवाऊंगा टेंशन को ले लो सारी हो जाएंगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ट्रूरिजिम यदि आपकी मैं की बात करूं, तो क्या होती हैं देखो ट्रूरिजिम कंडीशन के अंदर यदि मैं कंडीशन की बात करूंगा तो मेरा जो सिल्ट चार्ज है सिल्ट यहाँ पे चार्ज है इट इज चार्ज देखो जो आपका सिल्ट चार्ज है और जो आपका सिल्ट का ग्रेड है उसको हम कॉन्स्टेंट मानते हैं इन द केस ऑफ रिज्यूम कंडीशन और साथ में आपका जो डिस्चार्ज रहेगा वो भी आपका कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन दूसरी बात लिखी हुई है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है चैनल कैन बी स्कोर मोर इजिली देन कैन बी डिपोजिटेड ये बात गलत है यदि आपका जो चैनल है यदि आपका इसमें होता है रिज्यूम कंडीशन के अंदर टू रिज्यूम कंडीशन के अंदर नो स्कोरिंग नो स्कोरिंग एंड नो सेल्टिंग नो स्कोरिंग एंड नो सेल्टिंग कंडीशन होती है तो यदि ये कंडीशन रहेगी तो इसके अंदर आपको समय में आ चुका है कि चैनल इस कैन बी स्कोर्ड मोर इजिली तो ये जो ऑप्शन ए रखा है ये गलत है क्योंकि तो स्कोरिंग और सिल्टिंग नहीं होनी चाहिए जो आपका स्कोरिंग और सिल्टिंग है वो आपका नहीं होना चाहिए इन दिस केस तो ए ऑप्शन आपका रोंग है इसमें चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है बताइए हाँ रेलवे सिलेक्शन लेके बोल रहा है गलती से ज्यादा वैकेंसी दिख गया क्या करें सर अब यार ये तो मतलब बहुत ज्यादा अजीब वाली बात है कि बच्चों का सिलेक्शन हो गया है अब वो घर बैठे हैं ठीक है ठीके? मतलब बहुत गलत है यदि आप बच्चे ठीक ठाक हो तो बता देना मुझे एक बार यदि आप ठीक हो कौन से जोन में से हो जोन का बता देना कौन से जोन से हो चलिए आंसर क्या है इसका फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मॉडुलर ब्रिक ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कौन सा इंटू नाइन रहेगा या तो ट्वेंटी इंटू टेन इंटू टेन रहेगा जब भी आपकी मॉडलर ब्रिक की बात की जाए दैट इज द साइज नाइनटीन इंटू नाइन इंटू नाइन जो आपका ट्वेंटी इंटू टेन इंटू टेन होता है वो क्या होता है कि ब्रिक विद मोटार होता है दिस इज ब्रिक प्लस मोटार को आपने यदि एड किया तब आपका साइज ये होता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई नाइन नाइन टू नाइन दे रखा है या फिर ट्वेंटी तो 10 तो 10 रखा है यदि बोलेगा वो क्वेश्चन में कि विद मोटर साइज ऑफ द ब्रिक तो आप ब्रिको ट्वेंटी तो 10 तो 10 लेकिन बोलेगा यदि आपसे मॉड्यूलर साइज कितना रहेगा तो आप नाइनटीन इंटू नाइन इंटू नाइन को लगा के आएंगे वही आपका करेक्ट आंसर होगा तो आंसर क्या है इसका ए एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब दीजिए हाँ हाँ नहीं पी का हो गया है पी के हाँ हमारे यहाँ बच्चे भी आए हुए हैं पीवे के काफी ठीक है नॉमिनल साइज बोलते हैं नॉमिनल साइज यदि आप मोटर को ऐड करेंगे दिस इज नॉमिनल साइज चलो देखते हैं कुछ करते हैं द मिनिमम स्पेसिफिक सर्फिस एरिया बाय अ ब्लेन एयर पेमेबिलिटी मैथड रिक्वायर्ड फॉर द रैपिड हार्डनिंग तो जो आपका ब्लेन एयर पेमेबिलिटी टेस्ट है इट इज यूज फॉर द डिस्क्राइब दिंग फाइनेस ऑफ द सॉइल

पोर्टलैंड सीमेंट की ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तो आपकी होती है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ठीक है तो ये बात भी ध्यान रखें द आंसर इज बी एंड बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है चलते हैं आगे वेरी सिंपल क्वेश्चन ये भी आपने गलत कर दिया हो जल्दीबाजी में सिंपल क्वेश्चन है काफी धन्यवाद 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 कोई नहीं यार आपसे बस सीख चुका हूं थोड़ा-थोड़ा पढ़ाना आप चलिए क्वेश्चन में आपसे टाइप ऑफ ऑफ रोलर आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर द कॉम्पैक्शन सैंड इनमें से कौन सा आपका रोलर यूज किया जाता है फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सैंड के लिए सैंड के लिए जो हम रोलर यूज करते हैं वो आपका वाइब्रेटरी रोलर यूज किया जाता है फॉर द सैंड के लिए शीफ फुट रोलर हम यूज करते हैं फॉर द क्ले सॉइल के लिए क्ले सॉइल के लिए जो आपका न्यूमेटिक रोलर है वो यूज किया जाता है आपका क्ले चाहे क्ले हो चाहे सैंड हो घंटा फर्क नहीं पड़ता हम पे हम सब में काम कर सकते हैं क्ले और सैंड दोनों में यूज कर सकते हैं जो आपका स्मूथ व्हील रोलर है वो यूज किया जाता है क्रश रॉक के लिए किसके लिए क्रश रॉक इसको क्रश है किससे अब आप पता नहीं किससे क्रश रॉक से ठीक है स्मूथ व्हील रोलर तो आंसर क्या है सबको सही मैच हुआ क्या क्या आंसर है क्या है, क्या नहीं है सब मैंने डिस्क्राइब कर दिया आंसर हो जाएगा डी एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते आगे <clears throat> ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है ये ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये स्टेट लेवल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और स्टेट लेवल पे कई बार आ चुका है और एस एस सी ने भी इसको भी ऐसे चिपका दिया है स्टेट लेवल से मुकेश ठाकुर मुकेश ठाकुर यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो अवनीश शर्मा जीरो नाइन पर मुझे मैसेज करना एक बार अवनीश शर्मा जीरो नाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका द मेथड यूज अडॉप्टेड टू कंटूर रफ माउंटेन रीजन यदि मैं कंटूज को मुझे बनाना है इन द माउंटेनियस रीजन तो सबसे अच्छा जो मेथड यूज करते हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो होता है कि आपका टेकोमेट्री टेकोमेट्री सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है एंड बी इसके आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में ठीक है तो ये फेमस क्वेश्चन है नहीं चलती नहीं मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे पर मैथमेटिक्स के लिए टीचर नहीं है हमारे पास अभी अवेलेबल हमारे पास टाइम नहीं है एक घंटा मुश्किल से मिला है मुझे पढ़ाने के लिए आपको आपको पता ही है कि बहुत ही गंदे वाला स्केड्यूल चल रहा है अभी पहले फ्री चल रहा है मीनस चल रहा है फिर आपका यूट्यूब की आ जाती है वट इज़ द क्राइटेरिया टू डिसाइड द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू चैनल सेक्शन इन ए बिल्टअअप कॉलम तो यदि मैं बिल्टअप कॉलम की बात करूंगा तो बिल्टअप कॉलम पे आपको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यदि मैं एक बिल्टअप कॉलम बनाता हूं मान लो कि मैंने एक बिल्टअप कॉलम कोई बना भी दिया ठीक है तो ये जो मेरा बिल्टअप कॉलम है इस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस माइनस एक्सिस दोनों पे हम सेम मान के काम करते हैं ठीक है तो ये आपका बिल्टअप कॉलम के, के, के जिसको हम जैसे हम बोल देते हैं ना कि बॉक्स सेक्शन हम यूज कर रहे हैं या बिल्टअप कॉलम यूज कर रहे हैं उसका मेन कारण यही होता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस दोनों सेम रहता है आंसर इज सी एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलते नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब देंगे नेचर ऑफ द वार्पिंग स्ट्रेसेस आर जनरेटेड इन द रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट मान लो कि मेरे पास ये एक कॉन्क्रीट का सैंपल है और आपका क्या है सूरज हुआ मध्यम अभी अभी सूरज मध्यम नहीं हुआ सूरज अभी निकला हुआ है ठीक है तो सूरज जब निकलेगा तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा उस ऊपर वाले पार्ट में आपका टेंशन क्रिएट होगा ये इसको देख के फूल जाएगा ये आपका इसको देख के फूल जाना है तो ये फूल जाएगा तो यहां पे टेंशन क्रिएट होगा और यहां पे आपका कंप्रेशन क्रिएट होगा ठीक है बट आप आप सारे सारे स्टूडेंट ने क्या किया आप सब ने क्या किया कि इसका जो आंसर है वो लगा दिया टेंशन इन बोथ लगा दिया कि जो टेंशन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए टॉप पे और बॉटम पे आपका होना चाहिए कंप्रेशन जबकि ये गलत है जो क्या होता है इसका कॉन्क्रीट का अपना वेट भी होता है का जो अपना वेट है वो भी तो इसमें ऐड करेगा उसको आप भूल hmm. जाते हो तो जब अपना वेट इसको ऐड करता है तो ये इसको ऊपर नहीं जाने देता और इसकी जो शेप हो जाती है वो ऐसी हो जाती है शेप इसकी ऐसी हो जाएगी तो टेंशन कहां पे होगा टेंशन होगा बॉटम में और जो कंप्रेशन होना चाहिए वो हो जाता है आपका कंप्रेशन तो हो जाता है आपका ऊपर में तो टॉप में आपका कंप्रेशन रहेगा और बॉटम में आपका क्या रहेगा बॉटम में आपका टेंशन रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा बी एंड बी इस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो आप सब ला के हैं सी 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 से भर के ठीक तो है अवनीश शर्मा ए वी एन आई एस तो ये बात ध्यान रखेंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं करके आएंगे सिर्फ आपका क्योंकि क्या क्या है रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट को इसके अंदर लगाया है हमने तो लगाया है तो जब इसके ऊपर सूरज को के देख के जो आपकी कॉन्क्रीट फूल जाती है तो जो इसके अंदर जो इसके अंदर आपने डाला हुआ है सरिया वो सरिया क्या बोलेगा कि मैं तुझे तो फूलने ले नहीं दूंगा और ये बॉडी का वेट नीचे ऐड करता है और ये आपका जो चीज है वो ऐसी हो जाती है बांस में सभी को तो आंसर क्या है इसका आंसर हो जाएगा बी एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन करिए लिख दो ना सर बोर्ड पे लो यार तुम भी ना दस बार तो मैं इसको कोई चीज लिखवाते हो लो अवनीश मैं अपना नाम लिखता बार बार अवनीश शर्मा जीरो ये मेरी इंस्टा आईडी है इस पर आ जाके आप मैसेज कर देना मुझको चलिए द मिनिमम टू मिनिम इन सेंट्रिस आर सी कॉलम ऑफ साइज आपका दिया हुआ इतना विद द अनसपोर्टेड लेंथ आपको दी हुई इतनी तो जो आपका ई e मिनिमम होता है मिनिमम सेंटिसिटी इज अ मैक्सिमम ऑफ एल बाय फाइव हंड्रेड प्लस के डी बाय थर्टी और 20 एम mm. एम इनमें से जो जो चीज़ आपकी बड़ी होगी वही आपकी मिनिमम सिटी रहेगी तो अनसबड लेंथ तो आपको दी हुई है कितनी पाँच मिनट दी हुई है तो ये आपका हो जाएगा पाँच पाँच हज़ार हो जाएगा ये पाँच सौ प्लस के डाया फोर हंड्रेड तो फोर हंड्रेड डिवाइड बाई थर्टी। तो ये इससे कट गया ये आपका बच्चा हंड्रेड पचास ही था क्या ये डी बाई एल बाई फाइव हंड्रेड ये आपका कटेगा ये दो कट गया पचास बच्चा जीरो से जीरो कटा कितना आ रहा है एल बाई फाइव हंड्रेड प्लस के डी बाई थर्टी होता है दिस इज इक्व टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट जम्मू कश्मीर वाले सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है हमारे एग्जाम के चैनल पर आप पढ़िए यार आप भी हमारा अंग है और अच्छे से पढ़िए हम भी चाहते हैं कि इंजीनियर्स काफ़ी बने और हर जगह से बने ठीक है तो बहुत सारी उनको बहुत सारी दिक्कत रहती है कि नेट का इशू चलता रहता है उनके यहाँ तो उनको मतलब थोड़ा सा जो आपको मिल पाता है टाइम पे यहाँ पे एन में या आप जहाँ भी फिक्स सिटीज़ में है उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है तो आप ढंग से पढ़ाई करिए ठीक है ठीक है तो ये क्या हो गया आपका एल बाई फाइव हंड्रेड प्लस के डी बाई थर्टी इसकी वैल्यू होती है ये आपने कैलकुलेट कर ली बात सभी को तो एल बाई फाइव हंड्रेड यदि आप करेंगे तो दिस इज टेन आपका टेन हो जाएगा और आप आपसे कैलकुलेट करेंगे ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो आंसर क्या है सी एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करिए हाँ कर दिया भाई कर दिया आरती जी कर दिया मैंने वो मैक्सिमम पीडीएफ शेयर करता हूं मैं अभी इसका ठीक है टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एव एग्जाम टेक के नाम से इस पर आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा अभी कभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जवाब देंगे क्या आंसर है इसका

इसके अंदर पुट कर दो इस वैल्यू को लेके चलो इसके अंदर पुट करो वैल्यू ए वन कितना आपके पास पॉइंट टू फाइव ठीक है ए वन आपके पास क्या है पॉइंट टू फाइव है और आपका ये हो जाएगा ए टू आपके पास क्या है ए टू आपके पास है पॉइंट वन और यहां से आप वी टू को कैलकुलेट कर लो वी टू कितना हो जाएगा वी टू वैल्यू कितनी आई बोलो जल्दी पॉइंट टू फाइव क्या आंसर है सी वन मीटर वन मीटर पर सेकेंड वैल्यू आ रही है इसकी तो जीरो पॉइंट टू फाइव और यहां से मैंने कैलकुलेट कर लिया वी वन बस कुछ नहीं करना आपको continuity equations को डिस्क्राइब करना है किसे करना है कॉन्टिन्यूटी जो इक्वेशन है कॉन्टिन्यूटी है उसको डिस्क्राइब करना है और वहां से आपको कैलकुलेट कर देना है तो आंसर क्या आ रहा है यहां से वन मीटर क्यूब पर सेकेंड सी इज के आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सी आपका करेक्ट आंसर है बात समय आई सभी को <coughs> तो ये थी आपकी आज की क्लास और मेरे पास अभी टाइम कम है क्योंकि तो आपको पता है कि प्री का बैच चल रहा है अभी हमारा मेंस का चल रहा है ठीक है तो इसमें मेरा आठ से दस घंटे चले जाते हैं इसमें ही ठीक है और बचा हुआ आपके पास फिर यूट्यूब का है तो थोड़ा सा अभी टाइम नहीं मिल रहा है अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है जैसे ही अभी और टीचर जो आएंगे वो टाइम जो आपका टाइम है उसको बढ़ जाएगा और आपको जो क्लास है वो चलती रहेंगी मिलेंगे फिर आपके नेक्स्ट क्लास में यदि आपको कोई डाउट है यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे इंस्टा मेरी आईडी बता दे रहा हूँ आपको अवनीश शर्मा ज़ीरो नाइन पे अवनीश शर्मा जीरो नाइन पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और यदि आपको पी चाहिए तो पी के लिए आप एव एग्जाम टेक का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एव एग्जाम टेक वहाँ से आप अपनी जो भी आई अपना पी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है ई के प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे आपको बहुत सारी बुक्स भी आती है बाजार में वहाँ से मिल सकते हैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बब्बा और ऐसे पढ़ते रहिए जो बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं कराया आपको एनरोल कर लेना चाहिए मेंस के मेंस के बैच में काफ़ी अच्छा बैच चल रहा है और लास्ट मोमेंट पे ये ना होना चाहिए आपको कि भाई लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो जाए कि भाई साहब अब आप, आपका नंबर आ गया है और आपके पास एक महीना बचा हुआ है तो आप नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे नहीं व्हाट्सअप आई डी नहीं दे सकते शिव कुमार चलो मिलता हूं फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय जय हिंद जय भारत